नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट्स रिदम में। अक्सर आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, जबकि महिलाओं का शमशान घाट में जाना वर्जित होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अंतिम संस्कार में महिलाओं का शामिल होना क्यों वर्जित है। नंबर एक, मान्यताओं के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मन ज्यादा चंचल होता है। कहते हैं कि शमशान घाट में महिलाओं के रोने की आवाज से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, औरतों को रोता देखकर आत्माएं भी रोने लगती हैं। नंबर दो, कहते हैं कि शमशान घाट में दाह संस्कार के बाद कुछ आत्माओं को शांति नहीं मिलती, जो घूमती रहती है। ऐसी आत्माएं महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, इस वजह से भी शमशान घाट में महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है। नंबर तीन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के पुरुषों को मुंडन करवाना पड़ता है, जबकि महिलाओं का मुंडन करना शुभ नहीं माना जाता है। इस वजह से महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। नंबर चार, मान्यता है कि अंतिम संस्कार के दौरान घर में नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं, इसलिए घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। शमशान घाट से लौटने के बाद पुरुष स्नान करने के बाद घर में प्रवेश करते हैं, तब तक महिलाओं को घर पर ही रहना पड़ता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।